उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ च एतवार एक लड़के ने अपने पिता की झड़क तो नाराज होकर अपने सुते पे परिवार से कुहाड़ी नाल हमला करके मौत की घाट उतार दिता। गुस्से में आए नौजवान ने अपनी माँ प्यो और भैन तिना कुहाड़ी के नाल वर दिता। पिता की लाश वरांडे च माँ की दरवाजे च भैन की लाश खेत विचों बरामद हुई। यह मनिया जा रहा है कि बेटे ने पहला पिता को मारिया फिर दरवाजे से माँ को मारिया और फिर भैन को दौड़ते हुए खेतों में लजा के मारिया। इस घटना तो बाद मुलजम नौजवान मौके तो फरार हो गया। सवेरे जो पिंड वासी सैर करने के लिए निकले तो उन्होंने तिना दिया लाशा पईयां देखियां। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आई जी अखिलेश कुमार एस पी अनुराग आर्या समेत कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिता है। दिल दहला देने वाली एक घटना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कप्तानगंज के टांडतारी पिंड की दसी जा रही है। मृतक परिवार के गुआढ़ियों के मुताबिक मुलजम नौजवान का नाम राजन सिंह है जिसकी उम्र करीब 20 साल की है। गुआढ़ियों मुताबिक राजन ने बीते दिन ही अपने घरों कणक की बोरी चोरी की। जब उसके पिता भानु प्रताप सिंह और माँ सुनीता देवी को इस बारे पता लगा तो उन्होंने राजन को काफ़ी झिड़किया जिस तो नाराज होकर राजन ने इस वारदात को अंजाम दे दिता। इस घटना संबंधी गुआंढी ने जानकारी दिंदिया दस्सिया कि अपने परिवारक मैंबरां तों गुस्से च आ के राजन ने सवेरे 3 बजे बरांडे ते विच मंजे ते सौ रहे पिता दे सिर ते अते गर्दन ते कुहाड़ी नाल हमला कर दिता। इस तों बाद माँ जाग पई। जिवें ही माँ जाग पई होवेगी अते दरवाजे ते आई होवेगी राजन ने उस दे सिर ते गर्दन ते कुहाड़ी नाल वार कीता होवेगा। इस दे विच माँ दी वी मौत हो गई। माता पिता दीआं चीकां सुण के भैण भज्जी तां उस ते वी हमला कर दिता गया। पिता की लाश बरांडे विच मंजे ते पई सी अते माँ की लाश दरवाजे के सामने पई सी जदकि भैण की लाश नेड़ले बाजरे के खेत विचों मिली। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।